हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्विजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे और इनमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आज हम बना रहे हैं कहवा चाय। ये कश्मीर की ट्रेडिशनल चाय है, वहाँ पे सभी घरों में लगभग ये बनाई जाती है और हर रोज इसे सुबह और दोपहर में पिया जाता है। तो आज हम भी बना लेते हैं कहवा चाय। इसके लिए मैं डाल रही हूँ इस बर्तन में करीब ये वाला 1.5 गिलास पानी। इसको इतना रिड्यूस करेंगे कि 1 गिलास हम रख लेंगे। और इसमें डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, इसका फ्लेवर देगा बहुत अच्छा। और 2 से 3 मैं इलायची इसमें कूट कर डाल रही हूँ, ये भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा करने वाला है। और डाल देते हैं थोड़े से केसर के धागे और थोड़ा सा बादाम भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से उबाल आने देंगे, 5-7 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। तो देख लेते हैं, ये देखिए सभी चीज़ों का कलर हमारा इस पानी में अच्छे से आ गया है और ये अच्छे से उबल भी गई है। करीब 1 गिलास के करीब ये रह गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। अब चाहें तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं और मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर 2 चम्मच, क्योंकि ये बड़ा ग्लास है तो इसमें 2 चम्मच लगेंगे। आप कप के हिसाब से बनाएं तो 1 कप में 1 चम्मच चीनी डालिए। अब इसको बंद कर देते हैं और ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। सर्व कर लेंगे इस ग्लास में। और पहले मैं डाल देती हूँ बादाम के कुछ पीसेस। और आप चाहें तो इस समय पे इसमें ग्रीन लीफ भी डाल सकते हैं आधी चम्मच। वैसे कश्मीर में चाय पत्ती को अवॉइड किया जाता है, तो मैं सर्व कर लेती हूँ इसको इस ग्लास में। छान लेंगे इस छान से और सर्व कर देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है। आप भी बनाकर देखिए इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव कि आपको ये कैसी लगी और आपकी ये कैसी बनी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।